हैदराबाद रेप कांड के आरोपियों का एनकाउंटर होने के बाद अजमेर में जश्न का माहौल। सावित्री चौराहे पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान के नेतृत्व में युवतियों ने मनाया जश्न। आज सुबह के समय हैदराबाद पुलिस ने जो देशवासियों को खुशखबरी दी है उससे पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। खासकर महिलाओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रेप पीड़िता के साथ दुष्कर्मियों ने दरिंदगी वाली हरकत की थी उसके बाद पूरे देश में रोष का माहौल था और सब उन दरिंदों को चौराहों पर फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। आज सुबह के समय हैदराबाद पुलिस जब उसी घटना स्थल पर जहां पर उन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया था वहां पर क्राइम का रिक्रिएशन करवाने के लिए दरिंदों को लेकर पहुंची तो उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया और पुलिस से हथियार छीन कर मुठभेड़ करने लगे, जिसके बाद इस दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। सुबह जैसे इसकी खबर फैली पूरे देश में जश्न का माहौल बनना शुरू हो गया और सभी जगह खुशी का माहौल है। रेप पीड़िता को 10 दिन के अंदर मिले न्याय के बाद रेप पीड़िता के परिवार वाले भी काफी खुश हैं और यही खुशी का इजहार अजमेर में भी देखने को मिला, जहां पर सावित्री चौराहे पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में खुशी का इजहार किया गया और निर्भया रेप कांड के हत्यारों को भी जल्द से जल्द सजा सुनाने की मांग की गई। देखिए, कल ये एक पूरे भारतीयों की एक अंदर से एक मंशा थी कि बलात्कारियों को सजा मिले। कल हैदराबाद में जो घटना हुई है कि पुलिस एनकाउंटर में चारों बलात्कारियों को मार दिया गया है, इसमें शायद महिलाओं को और बच्चियों को एक सुकून सा महसूस हुआ है, लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि बलात्कारी बलात्कार करने के बाद उनकी हिम्मत देखिए कि पुलिस एनकाउंटर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सही किया पुलिस ने कि हाथ के हाथ उनको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार किया था उसके बाद उसकी हत्या की थी तो ये सभी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये तो वो घटनाएं हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं, मीडिया के सामने नहीं आ पाती हैं। क्यों इतनी लचर व्यवस्था है भारत की? अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसके पाँचवें या छठे दिन उसके ऊपर जब सारे सबूत पेश हो जाते हैं वो बलात्कारी माना जाता है, हत्यारा माना जाता है, तो हाथ के हाथ क्यों नहीं उसको फांसी की सजा दी जाती? फास्ट ट्रैक अदालतें बननी चाहिए, हाथ के हाथ सजा का प्रावधान होना चाहिए और जिस हिसाब से बलात्कारी हत्या करते हैं चाहे वो जला कर करें तो उनको जला कर मारना चाहिए और अगर वो किसी और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारते हैं तो उनके साथ भी वही पुनरावृत्ति करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में बलात्कारी बलात्कार करने से पहले सोचे कि हमें सख्त से सख्त सजा मिलेगी और बलात्कार पर अंकुश ना लग सके तो कम से कम घटनाओं में कमी तो बहुत आएगी। आज खुशी बना रहे हैं बिल्कुल एक महिलाओं में बच्चियों में आप देख रहे हैं सावित्री गर्ल्स राजकीय कन्या महाविद्यालय के आगे बच्चियों में भी एक खुशी का माहौल है कि सही किया गया, बलात्कारियों को सजा दी गई, तो ये कहीं ना कहीं हर भारतीय के दिल में आज खुशी का माहौल है कि उनको सजा दी गई। पुलिस के माध्यम से जो फैसला हुआ है हम इससे संतुष्ट भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको चौराहे पे जिंदा जलाया जाए। जिस तरह उस पीड़िता के साथ हुआ था, उसे जलाया गया था, पहले बलात्कार किया गया, ठीक उसी तरह उनको भी एनकाउंटर करने के बाद या फिर उससे पहले चौराहे पे जलाया जाया था। ये हमारा फैसला है। छात्र संघ अध्यक्ष कांता जाकर वैसे हाँ खुशी है, कॉलेज की गर्ल्स मतलब काफ़ी खुश दिख रही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तुरंत सरकार ने जल्दी से जल्द फैसला लिया है, खुशी का माहौल है हमारे कॉलेज। हम इस फैसले से खुश हैं कि आज ये फैसला लिया गया है कि उस डॉक्टर के साथ जो भी हुआ उसके लिए उन सबको एनकाउंटर में लेके गोली मार दी गई, लेकिन जैसे उसके साथ उसे जलाया गया वैसे हम चाहते हैं कि उन जितने भी अपराधी उन सबको यहाँ चौराहे पे खड़ा करके जलाया जाए। जितना उसने दर्द सहन किया है उतना उन सभी अपराधियों को भी ऐसा किया जाए उनके साथ, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि कोई अगर ये ऐसा काम करना चाहे तो उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं, वह थोड़ा तो डर होना चाहिए उनके मन में ताकि महिलाएं बेखौफ जी सकें। आपका नाम? तनीषा जोशी। क्या मामला था पूरा? तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ये मांग थी कि अब सिर्फ मोमबत्तियां ना जले, पूरा देश मौन नहीं था इस बार, पूरा देश परिवर्तन की मांग कर रहा था, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिला। पूरा देश ये चाहता था कि कहीं ना कहीं उन गुनहगारों को सजा मिले, चाहे वो फांसी की सजा हो चाहे उन्हें मौत मिले। पुलिस प्रशासन ने इस बार साबित कर दिया कि उनकी वर्दी के ऊपर जो शेर लगे हुए हैं उन्होंने उस शेर वाला काम किया है और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक इस बात की खुशी है कि जो पीड़िता है उनको न्याय मिला है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया के अंदर जो लंबी समय लगता है और ये कहा भी जाता है कि देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता, जिस प्रकार हमने देखा कि निर्भया के कांड के अंदर आज भी 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन इस बार 10 दिनों के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन ने उस पीड़िता को न्याय दिलाया, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। आज क्या लड़कियों में इस बात की खुशी है कि उन पीड़िता को न्याय मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों में ये भी था कि एक पूरी उसको उस प्रकार का दर्द नहीं मिला जिस प्रकार का दर्द उन्होंने उस बच्ची को दिया।